लोग निदर्शन कर रहे थे। 26 सितंबर को यानी एक दिन पहले मोदी ने उनके दो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हम लोगों के सामने भेजे, फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग रखी। उन्होंने कहा कि कल आप हमारे विरोध में आंदोलन कर रहे हो, हम आपको ऑफर देते हैं कि आपकी जो कुछ मांगे हैं शाम को मेरे साथ आकर मीटिंग करो, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मोदी का विरोध मत करो। वेलकम मोदी के लिए जो गुजराती कम्युनिटी वहां पर उनका स्वागत करने वाली है, आप उनमें जाकर शामिल हो जाओ और मेरा स्वागत करो। हमने कहा हम ऐसी आपकी ऑफर को ठुकराते हैं। और दूसरे दिन मेरे भी, आप लोगों ने पट्टी देखी होगी टीवी पर, बहुजन टीवी होगा, इन नेशनल दस्तक होगा, हमारे अंबेडकराइट चैनल्स है, सभी यहां पर मौजूद है। हम लोग गेट के ऊपर मोदी इज अ किलर, मोदी ये कातिल है, इस तरह के नारे हम लोग वहां पर यूनाइटेड नेशन के सामने, जहां पर मोदी भाषण कर रहा है उसके सामने ये नारे दे रहे थे। हमें भी खरीदने की बहुत कोशिश की गई, जो चाहिए वो बताओ, हम आपको सारी आपकी मांगे पूरी करने के लिए तैयार है। हमने कहा ये चोरी छुपे भारत के बाहर आकर हमको बुलाने के बजाय, हम लोगों को आप रामलीला मैदान पर हमारे स्टेज पे आओ, हमारे रविदास कम्युनिटी के बच्चों को 96 बच्चों को जेल में रखा है, आमने सामने जनता के सामने बात होगी, बंद कमरों में बात नहीं होगी, बंद कमरों में बातें नहीं होगी। जो हमारे समाज की बातें हैं वो हम लोगों को चाहिए। आज अगर हम बिक गए, अब ये पैसों की, मिनिस्ट्री की, पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं रही, आज अगर मैं बिक गया आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरे बच्चे गुलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे गुलाम हो जाएंगे। आज मैंने इनके पैसे स्वीकार लिए तो मेरे बच्चों के गाल गले में हंडिया आ जाएंगी, पीठ पर झाड़ू आएगा, कौन चाहता है ऐसी व्यवस्था। ये आज पैसों के लिए नहीं बात रही, आज ये लड़ाई दो विचारधारों की है। क्यों ये गिराते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति, क्यों ये बाबा साहब अंबेडकर जी के पुतलों को गिराना चाहते हैं? ये बाबा साहब के पुतलों को नहीं, बाबा साहब के विचारधारा को गिराने का संकेत है। ये बाबा साहब के विचारधारा का गिराने का ये लोग काम कर रहे हैं, और बाबा साहब के विचारधारा को गिराकर ये मनुस्मृति का राज लगाना चाहते हैं। ये दो दिन पहले का संभाजी भिड़े का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड टीवी पर है। आरएसएस का फुल टाइमर, जिसके लिए नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि संभाजी भिड़े का आदेश आते ही हम उनके आदेश पर काम करना शुरू कर देते हैं। क्या कहता है बताइए संभाजी भिड़े? ये कहता है कि हम किसी संविधान को नहीं जानते, मनुस्मृति ही हमारा असली संविधान है। इनकी जहन में क्या चल रहा है इन वाक्यों से हम लोगों को पता चल जाना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को ये एक अच्छी व्यवस्था जाते जाते देकर गए कि आप बौद्ध हो जाओ, और इस देश की व्यवस्था अगर आपके खिलाफ खड़ी होती है तो इन बौद्ध राष्ट्रों के पास जाओ। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब से बने हैं वो भारत में बैठते ही नहीं है। क्यों नहीं बैठते पता है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो सारे बौद्ध राष्ट्रों के पास जाकर इस देश के असली बौद्धों का रास्ता बंद करना चाहते हैं। उनको पता है कि इस देश के बौद्ध अगर इस देश में सताए गए, पीटे गए, तो ये जाकर बौद्ध राष्ट्रों से मदद मांगेंगे, और अगर मैं पहले ही वहां पर चला गया तो इस देश के बौद्धों को वो खड़ा नहीं करेंगे। श्रीलंका जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, और जो आज यूएन में उन्होंने स्पीच की, 125 देश के बौद्ध, 125 देश के बौद्ध राष्ट्र उनके सामने बैठे हुए थे। एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि हमने भारत को बुद्ध दिया, वो 125 देश के बौद्ध राष्ट्रों को लगता है कि नरेंद्र मोदी बौद्ध है, हमको इसके पीछे खड़ा होना है। वो इस तरह से आपकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आपके हाथों से छीनकर फिर से मोहन भागवत के हाथों में डालना चाहता है। मोहन भागवत की खुद की बौद्ध धर्म की एक स्वतंत्र संस्था है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत है। 14 अक्टूबर को विजयादशमी को आज
सुबह मोदी जी AK-47 राइफल, पिस्तौल, कारतूस, चाकू, तलवार इसकी पूजा करेंगे, सुबह हथियारों की पूजा करेंगे और शाम को दीक्षा भूमि पर जाकर बुद्धिज्म पे भाषण देंगे। एक ही आदमी दो अलग अलग विचारधाराओं का, दो विरोधी विचारधाराओं का एक ही आदमी पुरस्कार कर रहा है। सुबह हथियारों की पूजा करेगा, शाम को जाके बुद्धिज्म पे भाषण देगा, बाबा साहब पे भाषण देगा। दीक्षा भूमि उन लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर ली, जहां पर बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को दीक्षा दी, अब वहां पर शाम को नितिन गडकरी जाकर भाषण देता है। हम लोगों को वहां पर पैर रखने की इजाजत नहीं है। इस तरह से दीक्षा भूमि काबिज हो गई, चैत्य भूमि को गिराने के प्लान चल रहे। ये सारा इन लोगों ने, ये दीक्षा भूमि पे काबिज नहीं हुए, ये चैत्य भूमि नहीं गिराई जा रही, ये रविदास मंदिर नहीं गिराया गया, ये पूरे संविधान को हटाने का गिराने का मामला चल रहा है। हम लोग आज अगर नहीं जागे तो ये हमारी आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो किस तरह से ये व्यवस्था डरी हुई है। ये पार्लियामेंट में 350 प्लस केसे हो गए, जहां पर मुसलमानों के सबसे ज्यादा संख्या है वहां पर बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया और सारे के सारे वोट्स वहां पर बीजेपी को मिले हैं। मेरे इस पंडाल में वो साइंटिस्ट उपलब्ध है जिन्होंने मुझे ये बताया कि ईवीएम मशीन को कैसे मैनेज किया जाता है। जो 18 लोग 2014 में ईवीएम मशीन को मैनेज करने में लगे हुए थे, उनमें से 17 लोगों की मौत हो गई और एक लड़का इंडिया से भागकर यूएस चला गया, इसलिए वो जिंदा बचा है, इसलिए उसने वहां से वीडियो बनाकर भेजा कि हाँ हमने ईवीएम मैनेज कर दी थी, मेरे लाइफ को इंडिया में धोखा है, इसलिए वो यूएस चला गया। वहां से उसने वीडियो बनाकर भेजा कि यहां के इंडिया के दिल्ली के जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो बात कही है वो 100% सही है कि ईवीएम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। और इसलिए आज इस संसद में आरएसएस हावी हो गई। हम लोगों को अगर संविधान बचाना है तो इन लोगों को संसद से बाहर निकालना होगा और संसद में अंदर जाने का तरीका ईवीएम है, और इसलिए ईवीएम के विरोध में भी हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। भारत के जजेस, जितने भी शेड्यूल कास्ट के जजेस हैं, उन लोगों ने हमको कहा कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहां से अगर आप कंप्लेंट करते हो तो वो लोग ईवीएम के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा सीधा कह दिया कि ईवीएम के ऊपर हम एक भी पिटीशन नहीं लेंगे। और ये कौन कह रहा है पता है? जस्टिस गोगोई। जो जस्टिस गोगोई 6 महीने पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आज वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं। एक ही आदमी 6 महीने में इतना बदल कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जज, 4-4 जज पहली बार भारत के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, वो कंपाउंड में आकर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाओ। देखो किस तरह से काम हो रहा है। मैं आपको पाकिस्तान का उदाहरण देना चाहूंगा। पाकिस्तान का सबसे छोटा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, उन्होंने वहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर को, मुशर्रफ को, उन्होंने सजा दिलवाई और उनके ऊपर निर्बंध लाए कि तू कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता और तेरी फैमिली को किसी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ये पाकिस्तान के सबसे छोटे कोर्ट के जज ने उनके प्राइम मिनिस्टर को शिक्षा दिलवाई, लेकिन यहां का सबसे बड़े कोर्ट का जज कहता है कि संविधान खतरे में, इसको बचाओ। यानी जो अधिकार उसके छोटे कोर्ट को है उतना अधिकार हमारे सबसे बड़े कोर्ट को भी नहीं है। ईवीएम के ऊपर हमने जैसे पिटीशन बनाई,
मैंने वो पिटीशन दाखिल की और भारत से वहां से एक मांग आई कि ये केवल आपका मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये सारे लोगों का मुद्दा होना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि मेरे अकेले के पिटीशन डालने से कुछ नहीं होगा, हमको भारत से कम 10 लाख लोगों से ये पिटीशन यूनाइटेड स्टेट्स के उस ऑफिस में डालना है। इसलिए मैंने वो पिटीशन एक सर्वर पर रखी और सर्वर पे लोगों को कहा कि इस सर्वर से जाओ, इसको डाउनलोड करो और अपने अपने ईमेल आईडी से इसको भेजो। जैसे ही ये पिटीशन हमने सर्वर पर रखी, मुझे इंडिया से मैसेज आने शुरू हो गए, सर 5 मिनट में इसको डिलीट करवा दिया। उस पिटीशन को 100 पन्ने की पिटीशन है, पूरा रिसर्च करके कि ईवीएम किन किन देशों में बैन है, कौन से देशों में ईवीएम से इलेक्शन होती है और ईवीएम से कैसे वोट चुराए जा सकते हैं, ये सारा उस पिटीशन में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे हमने वो सर्वर पर रखी, एक एक मिनट में उसको डिलीट करवा रहे, एक एक मिनट में डिलीट करवा रहे। आरएसएस पहली बार आरएसएस सामने आई और वो आज हमारा कल, नहीं तो क्या होता है पता है, हमेशा ये होता है कि आरएसएस का हम विरोध करते हैं, लेकिन आरएसएस कभी सामने से हमारा विरोध नहीं करती, वो हमारे ही आदमी को खड़ा कर देती है, वो हमारे ही आदमी को खड़ा कर देती है। लेकिन पहली बार आरएसएस को सामना हम लोगों का करना पड़ा। हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के सामने मोदी का विरोध किया, यूनाइटेड नेशन को हम लोगों ने वो मेमोरेंडम दिया, वो मेमोरेंडम सेक्रेटरी जनरल के पास चला गया और उन्होंने वो सारा पढ़ा कि हमारी क्या मांगे हैं। वो मेमोरेंडम पूरा होने के बाद मैं वॉशिंगटन गया और वॉशिंगटन में हमारे धार्मिक अधिकार किस तरह से छीने जा रहे हैं, चाहे वो बौद्धों के हो, रविदासी कम्युनिटी के हो, सिखों के हो, मुसलमानों के हो, इस देश के सारे मुद्दों को मैंने वहां के कमिश्नर के सामने 1 से 1.5 घंटा वहां पर चर्चा करके उनको बताई और उन्होंने कहा कि आपके सारे मांगों को हम यूनाइटेड नेशन के सामने रखेंगे। ये वॉशिंगटन के ये मीटिंग होने के बाद मैं लंदन चला गया। लंदन में मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मेरा कार्यक्रम था, लेक्चर था कि भारत में किस तरह से फैसिज्म का बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से लोकतंत्र को गिराया जा रहा है। ये कार्यक्रम जैसे ही शुरू हो गया, काले मास्क पहनकर पहली दफा आरएसएस के लोग सामने आए, काले मास्क पहनकर हमारी सभा में घुसे और सारे माइक छीन लिए, सारे तबाह वहां पर कार्यक्रम को किया और उस यूनिवर्सिटी में फायर अलार्म होते हैं, फायर अलार्म को बजाकर वो वहां से भाग गए ताकि हम जो बातें कहने वाले हैं वो लंदन के लोग ना सुन सके, वहां के लोग, अलग अलग देशों के लोग, स्कॉलर ना सुन सके, इसलिए वहां के अलार्म बजाकर भाग गए। हमको वो यूनिवर्सिटी खाली करनी पड़ी। 40-45 मिनट के बाद यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि अभी सारे अलार्म बंद हो चुके हैं, आप अंदर आओ। ये सारी बातें मैंने वहां पर कही कि भारत में किस तरह से लोकतंत्र को धोखा है। ये सारी बात कहने के बाद आज पूरा विश्व ये जान रहा है कि भारत के अंदर क्या हो रहा, क्योंकि हाउडी मोदी का आप लोगों ने भाषण सुना होगा, क्या कहते हैं पता है हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर। नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत में सब अच्छा है, कोई गुरु रविदास मंदिर नहीं गिराया गया, भारत में सब अच्छा है, कोई मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को पीट पीट कर खून नहीं उनका हुआ, भारत में सब अच्छा है, गुजरात में एक शादी में एक बंदा कुर्सी पर बैठकर उसने खाना खाया इसलिए उसको पीट पीट कर मार डाला, क्यों? क्योंकि कुर्सी पर बैठने का अधिकार आज 2019 में भी उसको नहीं देते और मोदी कहते हैं भारत में सब अच्छा है। यह भारत की असली परिस्थिति यूनाइटेड नेशन को ना पता चले, ब्रिटिश काउंसिल को ना पता चले, इसलिए सब कुछ दबा कर रखा हुआ है अंदर ही अंदर। यह पहली बार हम लोग विश्व के पटल पर यह सारी बातें वहां पर कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरा आरएसएस घबराया हुआ है कि हमारा कच्चा छिट्टा वहां पर अभी खुलना शुरू हो गया। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये बात भारत के मीडिया ने नहीं बताई, वहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है।
ये बात भारत का मीडिया नहीं बताता। और ये मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूं, चलो हम लोग ये आंदोलन ईवीएम के खिलाफ करके ईवीएम बैन कर भी देंगे, कल को वोटिंग ऐसे पर्चों पे हो भी गई तो क्या हमारी सरकार आएगी? क्या हम हमारी सरकार बना पाएंगे? उन्होंने केवल ईवीएम आपके वोट ईवीएम मशीन बनाकर नहीं छीनी है, उन्होंने आपके दिमाग छीने हैं, आपके दिमागों को गुलाम बनाया है। हिंदू धर्म के नाम से, ब्राह्मण धर्म के नाम से आपके दिमागों को गुलाम बनाया है। आप कोई भी मशीन बना लो, वो अपनी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग गुलाम है, आपके दिमाग गुलाम है। हमको ईवीएम बैन करने से अधिकार नहीं मिलेगा, आपको अगर कुछ बैन करना है तो इस ब्राह्मण धर्म को बैन करना होगा, तब तक आपकी मुक्तता नहीं होगी। आज भी आपके दिमाग गुलाम है, आपके औरतों ने किस दिन क्या खाना चाहिए ये आप नहीं तय करते, ये उनके कैलेंडर तय करते हैं। आज सोमवार है ये नहीं खाना, आज मंगलवार है, आज तो अभी देखो अब नई सिस्टम शुरू हो गई है, ये 9 दिन कुछ होते हैं देवी वाले, तो अभी तो नए कैलेंडर बनना शुरू हो गए, 9 दिन शुरू हो जाते हैं। तो आज हरे कलर की साड़ी पहनो तो सारी औरतें हरी कलर की साड़ी पहनना शुरू करोगे, अब ये दिन चला गया लाल कलर की साड़ी पहनो तो लाल कलर की साड़ी पहन रहे, 9 दिन 9 कलर की साड़ियां। आपको तो साड़ियां मिल रही है, आपके पतियों के जेब में से पैसे चले जा रहे हैं। देखो दिन भर आप ब्राह्मण धर्म को गाली देते हो, दिन भर ब्राह्मणी व्यवस्था को गाली देते हो और उसी व्यवस्था को मजबूत भी कर रहे हो, या तो गाली दो या तो मजबूत करो। मैं तो आप लोगों को पहले कहना चाहूंगा, ईवीएम बैन हो ना हो इनके कैलेंडर बैन कर दो, इनका एक भी कैलेंडर घर में मत रखो, ये कैलेंडर आपके औरतों को गुलाम बनाता है। बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती को, जन्मदिन को ये अशुभ दिन कहता है, आप कभी देखो आपके कैलेंडर्स में अशुभ है उस दिन। आपके आज के महान दिन को, आपके राजाओं को 10 सिर वाला रावण, कहां होता है 10 सिर वाला रावण? ये कोई रावण नहीं है, अरे जब राम ही नहीं है तो रावण कहां से होगा? आप लोग लग गए रावण को बचाने के लिए, वो राम को जला, राम को रावण को जलाता है, आप रावण को पूजने का काम शुरू कर रहे हो। जब राम है ही नहीं तो रावण भी नहीं है, तो ये है कौन 10 सिर वाला? ये 10 सिर नहीं है, ये आपके 10 महान राजा हुआ करते थे, ये उन राजाओं को जलाने का प्रतीक है, ये आपके 10 पारमिताओं को जलाते हैं। मैं कहता हूं ये अगर आपके 10 राजाओं को जलाते हैं, 10 पारमिताओं को जलाते हैं, तो हम लोगों को अभी डिफेंसिव मोड से बाहर आना चाहिए। हम लोग बचने की कोशिश करते, नहीं हम नहीं जलाने देंगे, हम हमेशा बचावात्मक भूमिका लेते हैं। अब हमको बचावात्मक भूमिका नहीं लेनी है, हमको ऑफेंसिव मोड में जाना है, हमको आक्रामक होना है। तू हमारे 10 राजाओं को जलाता है, हम तेरी मनुस्मृति को जलाएंगे। हम हमारी सारी ताकत बचने में लगा रहे हैं, हमको बचने में नहीं, अब इनके ऊपर अटैक, अटैक कौन सा? संविधानिक अटैक। मैं मारने पीटने की अटैक नहीं कर बोल रहा, हमको ऑफेंसिव मोड में आना चाहिए, हमारे लोगों को इस ब्राह्मणी धर्म से बाहर निकालना चाहिए। मैंने रविदासी कम्युनिटी को कहा, वो आपके गुरु घर को गिराते हैं, आप लोग इकट्ठा होते हो, आपके बच्चों को जेल में डालते हैं, आप लोगों को आज तक मानव होने का अधिकार ये नहीं देते और आप उनके भगवानों को ढो रहे हो, और इसलिए मैंने उन लोगों को कहा, अरे अगर आपको वो हरियाणा के एक सभा में उनके कोई धार्मिक गुरु कह रहे थे कि
हमको गुरुघर जाना है, तुगलकाबाद मंदिर के उस जमीन पर जाना है और सभी लोगों को वहां पर उस तारीख में इकट्ठा होना है। मैंने अपने स्पीच में कहा बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा कहता है कि कोई भी आएगा तो उसको अरेस्ट करके अंदर डाल दो। और हमारे बाबा कह रहे हैं कि वहां पर जाओ, क्यों? अब 96 बच्चे अंदर है और कल 100 डाल देंगे। हमारे सारे बच्चे अगर अंदर चले गए तो आंदोलन करेगा कौन? मैंने उनको कहा देखो यही बात बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ हुई थी। बाबा साहब जब 1927 में महार के चौदार तालाब का आंदोलन कर रहे थे, तब वहां के ब्राह्मणों ने कोर्ट में केस डाल दी कि ये जो महार का चौदार तालाब है ये हमारा है और इसलिए बाबा साहब को और उनके लोगों को यहां पर आने से रोका जाए। कोर्ट ने ऑर्डर दे दी कि 25 दिसंबर को आप यहां पर आने वाले हो। 1927 में पहला फेज आंदोलन का पूरा हो चुका था, दूसरे फेज के लिए बाबा साहब के ऊपर मनाई डाल दी। बाबा साहब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद बाबा साहब को उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि बाबा साहब आप चौदार तालाब पर नहीं जा सकते, अगर आप वहां जाएंगे तो आपके साथ साथ सभी लोगों को मुझे अरेस्ट करना होगा। और मैं आपको अरेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपके अधिकारों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मणों ने आपके खिलाफ केस डाल दी है और इस तरह की जजमेंट है, इसलिए मैं आपको विनती करूंगा कि आप उस महार के चौदार तालाब पर ना जाओ। बाकी सभी कार्यकर्ता सुन रहे थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहब हम जेल में जाने के लिए तैयार है, आप सिर्फ आदेश दो, हम महार के चौदार तालाब पर जाएंगे। यही सच्ची लीडरशिप की परीक्षा होती है। बाबा साहब ने कार्यकर्ताओं को कहा नहीं, हम तालाब पर नहीं जाएंगे, अगर ब्राह्मणों ने मनाई आदेश लाया है तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने अपने आंदोलन को रोका नहीं, बाबा साहब ने अपने आंदोलन को नई दिशा दी। बाबा साहब ने देखा कि ब्राह्मण हमको उस पानी को हाथ लगाने से रोकता है, ब्राह्मण हमको वहां पर जाने से रोकता है और वो ये चाहता है कि हम प्रतिक्रिया दे, उस महार के चौदार तालाब पर जाए और सभी के सभी लोगों को जेल में डाला जाए। बाबा साहब ने उनके इस मंसूबे को पहचाना और बाबा साहब ने अपने आंदोलन की दिशा बदली। बाबा साहब उनके ट्रैप में फंसे नहीं, उल्टा बाबा साहब ने ब्राह्मणों को फंसा दिया। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को भरे सभा में मनुस्मृति के एक एक पन्ने को चलाया और फिर से बाबा साहब ने अपने आंदोलन को शुरुआत की। बाबा साहब ने इकट्ठा हुए सभी लोगों को, सभी लोगों में यह क्रांति, मानवता की एक क्रांति निर्माण कर दी। और 1935 में जाकर बाबा साहब ने लोगों को बताया, देखो 1930 के कालाराम मंदिर के प्रवेश में सिद्ध करके दिखा कि देखो हम हिंदू है, ये भी हिंदू है, अगर हम हिंदू है ये हिंदू है तो ये हमको पानी पीने के लिए आने देना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, इसका मतलब हम हिंदू नहीं है। और तब बाबा साहब ने 1935 में ये घोषणा की कि हिंदू घर में जन्म लेना, हिंदू परिवार में जन्म लेना ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन आज मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और बाबा साहब ने उस समय से लेकर 1956 तक एक व्यवस्था बनाने के लिए काम किया। वो व्यवस्था बाबा साहब ने 1956 में हमको एक नई पहचान दी, बौद्ध नाम से ये पहचान दी। आज ये बौद्ध पहचान के पीछे 150 देश आपके पीछे खड़े हैं, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपने बाबा साहब ने दिया। मेरे पास नरेंद्र मोदी जी का स्पीच रिकॉर्डेड है। मोदी जी खुद एक नेशनल टेलीविजन को कहते हैं हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। तो अगर कल को मैं हिंदू नाम के धर्म के ऊपर चैलेंज करता हूं तो देश का प्राइम मिनिस्टर का सबूत मैं रख सकता हूं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। ये खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ये ब्राह्मणों ने
पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथ में लेने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आज थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पास भी समय थोड़ा कम है, आपको ये हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं इसलिए थोड़ा सा बताना चाहता। देखो 1919 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने साउथ ब्यूरो कमेटी के माध्यम से इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। वो मैंने पिछले सभा में आप लोगों को कहा कि किस तरह से बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार इस देश में दिया। वोट देने का अधिकार इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मुसलमान क्रिश्चियन सबको मिल गया और सबकी संख्या, सबसे ज्यादा संख्या तो हमारी है, सबसे कम संख्या ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों ने सोचा अब वोट देने का अधिकार सबको मिल गया है तो फिर इनके ऊपर मैं काबिज कैसे हो सकता हूं। देखो आज अगर कोई बौद्धों का संगठन है तो उसका सदस्य कौन होगा? बौद्धों का सदस्य कौन होगा? बौद्ध। उसका चेयरमैन कौन होगा? बौद्ध। वाल्मीकि नाम से अगर कोई संगठन बनता है तो वाल्मीकि संगठन के सदस्य कौन होंगे और उसका चेयरमैन कौन होगा? वाल्मीकि। रविदासी कम्युनिटी के सदस्य कौन होंगे? रविदासी कम्युनिटी के लोग। और रविदासी कम्युनिटी के अध्यक्ष कौन बनेंगे? रविदासी कम्युनिटी के लोग। उसी तरह से सिखों का अध्यक्ष कौन होगा? सिख होगा। जैनों का अध्यक्ष कौन होगा? जैन होगा। कृष्णों का अध्यक्ष कौन होगा? कृष्ण होगा। आप मुझे बताओ हिंदू नाम से संगठन बनाओगे तो अध्यक्ष कौन होगा? एससी एसटी ओबीसी रविदासी वाल्मीकि बौद्ध क्रिश्चियन कौन होगा? ब्राह्मणों को यह लगा कि अगर हम ब्राह्मण नाम से संगठन बनाएंगे हमारी पूरे भारत में लोकसंख्या 3.5% है, 3.5% है, अगर हम ब्राह्मण नाम से कोई संगठन बनाते हैं तो हमारा गांव गांव में सरपंच भी चुनकर नहीं आ सकता। इसलिए बार की चुनाव अगर आएगी तो कितने लोगों के 10 लोग, एक गांव में 10 लोग भी नहीं मिलते। कितने गांवों में तो कोई पूजा करानी होती है तो ब्राह्मण को बाहर के गांव से लाना पड़ता है, यानी उस गांव में एक ब्राह्मण भी नहीं मिलता, तो यानी उस गांव का सरपंच भी ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो ब्राह्मणों ने यह सोचा कि अगर हम ब्राह्मण नाम से काम करेंगे, ब्राह्मण नाम से संगठन चलाएंगे तो हम सरपंच भी नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने 1920 से हिंदू नाम से प्रचार करना शुरू किया, हिंदू नाम से संगठन बनाने शुरू किए और जैसे ही हिंदू नाम से संगठन बनाया इस देश के एससी को एसटी को ओबीसी के लोगों को उन्होंने हिंदू बोला और हिंदू बोल बोलकर इनका अध्यक्ष ब्राह्मण बन गया। आज आरएसएस का अध्यक्ष कौन है? मोहन भागवत। सारे संगठन ये इतने दिनों से, इतने सालों से हिंदू राष्ट्र का नाम लेते हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा देते हैं, तो आज तक इन लोगों ने, जिन लोगों को ये हिंदू कहते हैं, रविदासी कम्युनिटी को हिंदू कहते हैं, तो मंदिर गिराए जाने पर मोहन भागवत ने एक भी बार स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? वाल्मीकि को ये हिंदू कहते हैं तो फिर वाल्मीकि के ऊपर जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो फिर वाल्मीकियों के लिए मोहन भागवत राष्ट्रों के ऊपर क्यों नहीं उतरता? समारोह को ये हिंदू कहते हैं तो जब समारोह को जेल में डाला जाता है तो मोहन भागवत स्टेटमेंट क्यों नहीं देता? वो इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सिर्फ प्रचार आपका हिंदू नाम से करता है, उसको पता है आप हिंदू नहीं हो। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं अगर ये आप लोगों को हिंदू नहीं मानते तो फिर आप इनके हिंदुइज्म को ब्राह्मणिज्म को इतने सालों से क्यों डोल रहे हो? ये हिंदुइज्म को ब्राह्मणिज्म को उसी दिन आप लोगों को लात मारनी होगी जिस दिन ये आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करना शुरू कर देंगे, उसी दिन इस ब्राह्मणिज्म को लात मारना शुरू कर देंगे। इनके भगवानों को अपने रविदासी टेम्पल्स में, अपने वाल्मीकि गुरुद्वारा में इनके भगवानों को रखना छोड़ दो, इनके नहीं नहीं इनके धर्म ग्रंथों को, रामचरितमानस हो, गीता हो, अपने अपने गुरुद्वाराओं से, अपने अपने वाल्मीकि मंदिरों से इसको बाहर निकालना शुरू कर दो। देखो कल हम लंदन में, अमेरिका में
वहां पर मैंने गुरु रविदास कम्युनिटी के बहुत बड़े गुरुद्वारा में वहां पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। आज भारत के हर बैठे हुए रविदास कम्युनिटी के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की लाइब्रेरी उनके गुरुद्वारा में बना रहे, न्यूयॉर्क में बना रहे, लंदन में बना रहे। मैं उन्हीं का आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा और इसी तरह के आज गुरुद्वारा हम लोगों को भारत में दिखाए बनाने होंगे जहां पर गुरु रविदास जी के वाणी के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर जी की शिक्षाओं का भी ये सारा काम इस भारत के लोगों को मिले। मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, देखो बाबा साहब ने हम लोगों को बौद्ध धर्म के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। हमारी शिक्षा की व्यवस्था बाबा साहब ने की है। आप लोगों के सामने रिजर्वेशन की बात आई, पौधों को रिजर्वेशन नहीं है। इस तरह से भारत का ये जो सारा मीडिया है या सरकार है बताने का काम करती है। ये यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन मेरे हाथ में है, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र, जहां पर मोदी जाकर भीख मांगने का काम करता है कि हमारे देश को ये दे दो, हमारे देश को वे दे दो। वो यूनाइटेड नेशन आपके लिए क्या कहता है देखो। यूनाइटेड नेशन आपके लिए कहता है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ माइनॉरिटीज द यूनाइटेड नेशंस प्रोमल्गेटेड द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities on 18 December 1992, proclaiming that states shall protect the existence of the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and encourage conditions for promotion of that identity. United States aapko kehta hai, भारत सरकार आपको यूनाइटेड नेशन के सामने कहती है कि भारत में जो माइनॉरिटी रहती है, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या जैन हो, शपथ पत्र भारत देता है कि भारत में आपके कंडीशन को एनकरेज करने का काम हम करेंगे। एनकरेज करने का काम यानी अगर आप बौद्ध होना चाहते हो तो आपको प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहन देंगे। प्रोत्साहन का मतलब क्या है कि अगर आपको अनुसूचित जाति से आरक्षण मिल रहा है और अगर आप बौद्ध होना चाहते हो तो आपका आरक्षण हम बंद नहीं करेंगे। ये शपथ भारत ने यूनाइटेड नेशन के सामने दी है। अगर आपको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल रहा है और आपको कोई कहता है कि बौद्ध होने पर आपका आरक्षण बंद होगा तो ये उल्लंघन यूनाइटेड नेशन के सामने दिए हुए शपथ पत्र का उल्लंघन होगा। मोदी इस शपथ पत्र को चित्रा छुपाने का काम करेगा, अंबेडकर उस शपथ पत्र को ज्यादा से ज्यादा बताने का काम करेगा। ये शपथ पत्र की कॉपी मैंने यूनाइटेड नेशन को दी है। हमको भारत में धमकाया जाता है कि अगर बौद्ध हो गए तो आरक्षण बंद करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बौद्ध होने के बाद एससी का रिजर्वेशन तो आपका बंद नहीं होगा, लेकिन आपका माइनॉरिटी के रिजर्वेशन के दरवाजे और खुल जाएंगे। आपको एक नहीं दो दो रिजर्वेशन मिलते हैं और एससी से ज्यादा फैसिलिटीज आपको माइनॉरिटीज में। आपको एससी में 800 रुपया फीस मिलेगी, 800 रुपया ट्यूशन फी मिलेगी, लेकिन 3,500 रुपए माइनॉरिटी में फीस मिलेगी। आपके लड़कियां गर्ल्स पीजी तक फ्री एजुकेशन उनको माइनॉरिटी में मिलता है, पीजी तक एक रुपए की फीस देने की जरूरत नहीं, इतने अधिकार माइनॉरिटीज में। और इसलिए मैं आप लोगों को यह बात भी यहां पर बताना चाह रहा हूं। देखो इसलिए बाबा साहब ने दिया हुआ जो बौद्ध धर्म का मार्ग है, आज एक एक करके ये लोग हमारे रिजर्वेशन को, संविधान को ये गिराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ऐसा क्या है इस संविधान में, ऐसा क्या लिखा है जो ये लोग इस संविधान को हटाना चाहते हैं? आपके घरों में संविधान की कॉपी होगी, आप लोग कभी आर्टिकल 13 निकाल के पढ़ो। बाबा साहब इस देश को संविधान देते हैं और 2500 सालों का
मनुस्मृति बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में एक लाइन में किस तरह से निकाली है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाबा साहब आर्टिकल 13 में लिखते हैं कि आज ये संविधान लागू होने से पहले इस देश में जितने भी संविधान है, जितने भी कानून है, जितनी भी व्यवस्था है, मैं आज से इसको शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब ने 2500 सालों की इस मनुस्मृति को इस देश से हमेशा के लिए मिटा दिया और इसलिए इस देश के संविधान को हटाकर ये फिर से मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। मैं भारत के बाहर जाकर जो व्यवस्था बाबा साहब ने इस देश के लोगों के लिए लानी चाहिए थी वो व्यवस्था फिर से इस देश में लाना चाहता हूं। हमारे खुद के एजुकेशन सिस्टम, हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सारी व्यवस्था हम इस देश में लाना चाहते हैं। एक समय था कि 17 यूनिवर्सिटीज हमारी इस देश में थी, 17 यूनिवर्सिटीज। पूरे विश्व से लोग भारत में आकर यहां पर पढ़ाई करके अपने अपने देश लौट जाते थे और आज हम लोगों को भारत सरकार से पैसे मांगने पड़ते कि हमको भारत के बाहर जाने के लिए पैसे दो। आज भारत में ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने खड़ी कर दी है कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट बाहर निकलने के बाद देश का प्रधानमंत्री कहता है अगर नौकरी नहीं मिल रही तो भजिया तलो। ऐसा एजुकेशन इस देश में इन लोगों ने लागू कर दिया है और इसलिए पिछले वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ प्रतिष्ठा के कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया और जब 125 देशों के प्रतिनिधि के सामने 50,000 लोगों के सामने जब मैं बात कर रहा था तब उनको कहा कि हमको आपके पैसे नहीं चाहिए, हमको यूनिवर्सिटी बना के दो, आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो भारत में लाओ, मैं आपको जमीन देने का काम करता हूं, आपको जितनी जमीन चाहिए वो जमीन मैं आपको देने का काम करता हूं, आपकी यूनिवर्सिटी आप भारत में बनाओ। ये यूनिवर्सिटी जब हमारी बनेगी हमारे बच्चे आज मोदी जापान में जाकर भीख मांगते हैं कि आपकी बुलेट ट्रेन दे दो, बुलेट ट्रेन भारत में लाना चाहते हैं। हम ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं जहां से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए हमको जापान से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे इंजीनियर्स खुद ये बुलेट ट्रेन भारत में बना सकते हैं। ऐसी एजुकेशन हम इस देश में खड़ी करना चाहते हैं और इसलिए ये बहुत सारी ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखे हैं जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं और आने वाले समय में 2021 में जनगणना होने वाली है। इस जनगणना में फिर से आप लोगों के पास अगर बहुत हमका प्रूफ नहीं है वो आपको हिंदू लिखने वाले। ये काम शुरू हो चुका है, जनगणना का काम शुरू हो चुका है। मुझे कई सारे फोन आ गए हैं कि सर हमारे पास बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से इन लोगों ने हमारा नाम हिंदू धर्म में लिखवा दिया, इसलिए ये सर्टिफिकेट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आप लोग यहाँ पर हमारे सीएस भंडारी जी है उनसे यहाँ से प्राप्त करें। आज बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दीक्षा का बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली। हम बाबा साहब के भक्त नहीं है, ये व्यवस्था बाबा साहब को भगवान बनाने पर तुली हुई है। जिस दिन आपने बाबा साहब को भगवान बना दिया उस दिन बाबा साहब का जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा और क्या रह जाएगा, बाबा साहब की मूर्ति रह जाएगी, कैंडल अगरबत्ती लगाई हमारा काम खत्म। हम बाबा साहब के भक्त नहीं बनना चाहते, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। जो काम बाबा साहब ने किया है उस कदम पे कदम हम बाबा साहब के कदम पे कदम रखकर बाबा साहब ने जो काम किया है उसका अनुकरण करने वाले हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। आज बाबा साहब ने दीक्षा ले ली इसलिए आकर बाबा साहब को हाथ जोड़ दिया, बाबा साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, बस हमारा काम इतना ही है क्या? हमारा काम इतना नहीं है बाबा साहब, आपने जो काम किया है हम भी उस काम को दोहराएंगे, ये होता है सच्चा अनुयायी। और इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं आज ही के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, त्रिशरण लिया,
पंचशील लिया जो हम लोगों ने स्टेज पे से यहां से ले लिया है, और उसके बाद बाबा साहब रुके नहीं, उसके बाद बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली। और इसलिए मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि जो काम बाबा साहब ने किया था उसका अनुकरण कौन कौन करना चाहता है। तो अगर ये काम जो बाबा साहब ने किया था उसका अनुकरण आप करना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे इस 22 प्रतिज्ञा को ग्रहण भी आप लोगों को करना होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप जिस स्थान पर बैठे हो वहां पे खड़े होकर बाबा साहब ने दी हुई ये 22 प्रतिज्ञा हम लोगों को लेनी है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूं। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध द्वारा बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्वों के ज्ञान शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म को पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्यागता हूँ तथा बुद्ध धर्म को स्वीकारता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि गौतम बुद्ध ही मेरा पूरा विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है। मैं ये मानता हूं कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।